छत्तीसगढ़ के बीएड और डीलेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर थर्ड राउंड की अंतिम काउंसलिंग चल रही है इसके लिए एक बार फिर से नया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो चलिए जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है और इस अंतिम चरण के काउंसलिंग में आपको कॉलेज जाना होगा और वहाँ पर आपका एडमिशन कैसे होगा क्या प्रक्रिया होगी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस जो है वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो उन्नीस दिसंबर को जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि डी बीएड बी एड बी ए बी एड और बी एस सी बी एड सभी पाठ्यक्रमों के लिए दो हज़ार तेईस चौबीस के लिए यहाँ पर अंतिम चरण के लिए प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है आप सभी को पता ही है कि उन्नीस दिसंबर को आपका जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया गया था आपने अगर वेटिंग लिस्ट चेक नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल से वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करेंगे इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट जानकारी वीडियो बना दिया है आप उस वीडियो को देखकर जो वेटिंग लिस्ट निकला हुआ है उसी के अनुसार कॉलेज द्वारा जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उस मेरिट लिस्ट तैयार होने में क्या क्या नियम का पालन करना है उस बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर बताया गया है कि चयन सूची प्राप्त प्रतीक्षा सूची के आधार पर बनावें किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की एक प्रति महाविद्यालय या संस्था में जमा करने की आवश्यकता नहीं है यानी कि जो आपकी कॉलेज द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो जो आपकी जो वेटिंग लिस्ट निकली गई है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर कॉलेज में आपको कोई भी प्रकार का आवेदन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है आगे बताया गया है कि चयन सूची रिक्त सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए वर्ग संवर्गवार बनाते हुए प्री टेस्ट के मेट का ध्यान रखें यानी कि जो कॉलेज द्वारा मेट लिस्ट निकाला जाएगा उसमें आपके जो है सभी जो आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा वर्ग संवर्ग के अनुसार ही आपकी मेट लिस्ट तैयार की जाएगी ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है और आपके जो प्री पेड या प्री डीलेड में नंबर मिले हैं उसी के अनुसार यहाँ पर आपका मेड लिस्ट तैयार किया जाएगा आगे बताया गया है कि किसी भी एक वर्ग में पर्याप्त उम्मीदवार न होने पर छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम दो के नियम नौ व दस के अनुसार सीटों का परस्पर आपस में परिवर्तन कर प्रवेश प्रक्रिया संचालित किया जाएगा यानी कि दोस्तों अगर किसी वर्ग के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस वर्ग के कैंडिडेट की जो सीट है किसी अन्य वर्ग के कैंडिडेट को दे दिया जाएगा और उसी प्रकार से सीटों का बंटवारा यहां पर होगा यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले ओ यानी अदर स्टेट के जो सीटें हैं उसमें प्रवेश की प्रक्रिया कराई जाएगी उसके बाद अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है उस पर प्रवेश दिया जाएगा जो अनारक्षित के जो सीट हैं उसे जो है अ, मेरिट के बेसिस पर जो है बंटवारे किया जाएगा जनरल ओबीसी एससी व एसटी सभी वर्ग के अभ्यर्थी इसमें जो है आ सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों एस टी और ओ बी की सीटों पर जो है प्रवेश की प्रक्रिया कराई जाएगी दोस्तों पहले भी नियम जारी हुआ था उसमें हमने बताया था कि अगर किसी कॉलेज में एस की सीट खाली बचे हुए हैं अगर वहाँ एस कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले उस सीट को एस कैंडिडेट को दिया जाएगा अगर एस कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसे ओ कैंडिडेट को दिया जाएगा अगर वहाँ पर ओ कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं तो उस जो है सीट को जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा इस प्रकार से जो आरक्षित सीटें हैं उसकी यहाँ पर बंटवारा की जाएगी और उसी के अनुसार यहाँ पर और उसी प्रकार से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया होगी और मेड लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों आगे बताया गया कि मेरिट अतिक्रमण व अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर आपके महाविद्यालय में इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है तथा भविष्य में इन सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आपके महाविद्यालय या ए रायपुर में पृथक से कराई जाएगी दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर सभी कॉलेज के लिए यहाँ पर जारी किया गया है तो इस संबंध में यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी कॉलेज जो है गलत तरीके से मेरिट लिस्ट निकालती है या दोस्तों कैंडिडेट से अधिक फीस जो है वसूलती है अगर उसका शिकायत होता है तो दोस्तों उस जो है उस कॉलेज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसे रद्द कर दिया जाएगा और जो भी खाली सीट बच जाएगी उसे जो है अलग से ए द्वारा भरा जाएगा इस संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों अंतिम चरण की काउंसलिंग चल रही है वो सही तरीके से हो उसके लिए यहाँ पर जो है सभी कॉलेज को फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की बात भी यहाँ पर बताई गई है दोस्तों यहाँ पर दसवें नंबर पर इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पर बताया गया कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर जो है 21 बारह 2023 यानी 21 दिसंबर को जारी की जाएगी जो दोपहर के 12 बजे तक जारी कर दिया जाएगा अगर दोस्तों आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है वह दोपहर के बारह बजे के बाद ही आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा यानी कि अगर आप कॉलेज जाते हैं अगर आप दोस्तों बारह बजे के बाद जाते हैं तो वहाँ से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी इसीलिए जब इक्कीस तारीख को आप कॉलेज जाएंगे तो बारह बजे से आपको पहले जाना होगा और आपका जो वहाँ पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी लेकिन जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है यहाँ पर बारह बजे के बाद ही स्टार्ट होने वाला है अगर दोस्तों किसी कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि एक सीट के लिए पांच जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है अगर मान लो उस कॉलेज में आपको जो है पाँचवें नंबर पर है तो दोस्तों बाकी के जो पहले दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट हैं उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा उसके बाद अगर वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं उसी कंडीशन में नीचे वाले कैंडिडेट को वहाँ पर जो है मौका मिलेगी इसीलिए अगर आपका वेटिंग लिस्ट पे नाम आता है तो आपका यह जरूरी नहीं कि वहाँ पर एडमिशन ही आपको मिल जाएगी आपको जो मेरिट क्रम के आधार पर और जो वर्गवार है यानी कैटेगरी वाइज ही वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस कराया जाएगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा अगर दोस्तों किसी कॉलेज में सारे सीट्स फुल हो जाते हैं उसके बाद उस कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और इसके बाद जो है सारे कैंडिडेट की जो ऑनलाइन डेटा है उसे अपडेट कर दिया जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी सो so, दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में बी और डी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर अंतिम चरण की काउंसलिंग के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है